सीसी भर्ती एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, भर्ती नहीं हुई है, आप लोग डेली क्लास शाम में 8:05 पर करेंगे। बाकी आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर मिलेंगे जो आपको सारे याद करने हैं। आज क्विज टेस्ट 5 है, 25 क्वेश्चन है, क्लास पूरा करना, 10 मिनट की क्लास होती है बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर लिया, अब आप लोग डेली 7 बजे क्लास करेंगे। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जिन लोगों की भर्ती बाकी है, जब आप भी एनसीसी ज्वाइन कर लोगे, तब आप रेगुलर क्लास 7 बजे वाली करना, ठीक है। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, पटना में, शिमला में, दिल्ली में। एक क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और क्लास पूरा करना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में। सेकंड, वाटर का फॉर्मूला लिखो, HO, H3O, O2H, H2O। मतलब केमिकल फॉर्मूला दिया है ऑप्शन में, तो आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, H2O। थर्ड, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, कैप्टन, सिपाही, फील्ड मार्शल, जनरल। और मैं आप लोग को बता दूं कि 2022 में भी जिन्होंने तेजस चैनल को फॉलो किया था जैसे बताया गया और अच्छे से तैयारी किया था, 100% अपना रिजल्ट था, एक बंदा भी फेल नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर डी, जनरल। फोर, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को, 21 अप्रैल 1526 को, 5 नवंबर 1556 को, 22 अक्टूबर 1764 को। और इस बार भी 2023 में अभी तक जितनी जगह भर्ती हुई तेजस चैनल पे जो रेगुलर क्लास की बताया क्वेश्चन याद किए, एक बंदा भी अपना फेल नहीं हुआ, 100% इस बार भी रिजल्ट है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। डेली टाइम से क्लास करो, 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऐप पर, सब्जेक्टिव ध्यान देना और सारे याद कर लो। उसके अलावा चंद्रयान 3, G20 और आदित्य L1 के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वो भी जरूर पूछेगा। बी होगा 21 अप्रैल 1526 को। फिफ्थ, एनसीसी के डीजी कौन है अभी प्रेजेंट में? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, श्री राजनाथ सिंह। ये एनसीसी के हेड होते हैं, आपको एनसीसी हेड का नाम पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एनसीसी में लेगा क्यों जब आपकी बेसिक नॉलेज नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अभी सर्च नहीं भी करोगे तो चलेगा, अभी यही है। सिक्स, मच्छरों द्वारा खाली स्थान रोग फैलते हैं, डेंगू मलेरिया, डेंगू रेबीज, प्लेग मलेरिया, प्लेग रेबीज। व्हिच डिजीज कॉज्ड आफ्टर मस्कीटो बाइट, मतलब मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? दो फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन भी दो दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है डेंगू मलेरिया। सेवन, विश्व में कितने महासागर हैं? 4 महासागर, 5 महासागर, 6 महासागर, 7 महासागर। पूरा क्लास करना और सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5 महासागर। 8, सुनील गावस्कर किस खेल के खिलाड़ी थे? क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के, बैडमिंटन के, क्या होगा? सुनील गावस्कर रिलेटेड टू विच गेम? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्रिकेट के। 9, मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, किसी आयत को आधा करके फिर दोगुना किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? दोगुना ही रहेगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी रेक्टेंगल को हाफ करके फिर डबल कर दो तो उसमें क्या चेंजेज आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10, भारत के युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। मतलब भारत में लड़ाई के दौरान फौजियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार कौन सा? गैलेंट्री अवार्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र। 11, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में
सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है हिंदू। 12, विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? भूटान, बांग्लादेश, वेटिकन सिटी, पाकिस्तान। विच कंट्री हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब जहां सबसे कम लोग रहते हो कौन सा देश है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। 13, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? शांति पुरुष, भारत का नेपोलियन, बापू, लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से बुलाते हैं? सभी का परफेक्ट होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लौह पुरुष यानी आयरन मैन। 14, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग, T49 रेल सुरंग, नैसारी सुरंग, देवारी सुरंग। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ द इंडिया, ये करंट अफेयर्स है, अभी चेंज हो गया, पहले कुछ और था अभी दूसरा हो गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी T49 रेल सुरंग। 15, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 565 ईस्वी पूर्व, 567 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 568 ईस्वी पूर्व। क्या होगा? चलिए जल्दी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 563 ईस्वी पूर्व। 16, गांधी जी को किसने मारा था? चंद्रशेखर आजाद ने, नाथुराम गोडसे ने, स्वामी विवेकानंद ने, भगत सिंह ने। हु किल्ड महात्मा गांधी, गांधी जी को किसने मारा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाथुराम गोडसे ने। 17, मोस्ट VBI, सबका सही होना चाहिए, NCC रिलेटेड क्वेश्चन है। एयर विंग में NCC की शुरुआत कब से हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में? NCC एयर विंग की शुरुआत कब से हुई? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1950 में। 18, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश, राजघाट दिल्ली, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है? टोटल टेस्ट देना 25 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा, और लास्ट में बताना कितना सही किया और विनर कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजघाट दिल्ली में। 19, राम मंदिर कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश। राम मंदिर कहाँ स्थित है? क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस जगह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अयोध्या उत्तर प्रदेश में। 20, हरियाणा की राजधानी लिखो, जयपुर, पटना, देहरादून या चंडीगढ़। वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चंडीगढ़। 21, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, बोधगया बिहार में, रांची झारखंड में, जयपुर राजस्थान में। वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न, किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? भर्ती में सारे पूछे गए क्वेश्चन ओरिजिनल, गेस पेपर नहीं है ये, तो अच्छे से याद कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लुम्बिनी नेपाल में। 22, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? क्या होगा? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत और चीन के बीच। 23, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, रांची, देहरादून, शिमला। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका परफेक्ट होना चाहिए, राजधानी, कुछ लोग को यह भी नहीं आता है तो उनके लिए बहुत दुख की बात है, पढ़िएगा, सी होगा देहरादून। 24, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, दिल्ली में, जयपुर में। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर किस जगह लगाया गया था? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। 25, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है?
शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, मदनलाल खुराना, अरविंद केजरीवाल। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली देश की राजधानी तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? करंट अफेयर्स मोस्ट वीआईए न्यू भर्ती के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें, जिनका 25 में 25 सही है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी लोग ने कितना सही किया आप भी कमेंट करो, कमेंट भी आप नहीं करते हो जब आपका 10-15 सही होता, तो पढ़ना है अच्छे से और कमेंट करके बताना है लास्ट में कितना सही किया। सभी लोग कमेंट करेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कल होगा नेक्स्ट क्विज टेस्ट 6, टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया हूँ न्यू भर्ती का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से तेजस NCERT ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ के आएंगे। वहाँ 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, सारे याद करो। तो कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 6 होगा, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।